आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। एकता फाउंडेशन समाज उत्थान के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है और इसी वानगी में उसने एक खूबसूरत उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें कि बीते एक दशक से एकता फाउंडेशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला रोजगार, बाल अधिकार जैसे तमाम मुद्दों पर काम कर रहा है और इस बार एकता फाउंडेशन ने एक और मील का पड़ाव तय करते हुए लघु उद्योग के क्षेत्र में एक सराहनीय काम किया है। आपको बता दें कि एकता फाउंडेशन ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय की सहायता से 50 महिलाओं को 4 महीने का हैंड होल्डिंग समर्थन देने के बाद अब उन्हें 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जा रही है। सनद रहे कि सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्त पोषण और विकास के लिए एक जरूरी संस्थान है। महिला उत्थान से जुड़े इस कार्यक्रम को आयोजित करने में भी सिडबी ने अपना खास योगदान दिया। इस मौके पर द्वारका SGM विनय कुमार मोगिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मीडिया से बात की। मैं सभी आए हुए यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। कोशिश, उम्मीद ये रखता हूँ कि वो सब मन लगा के यहाँ पे सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और उस ट्रेनिंग को अपने जीवन में, आगने वाले जीवन में उसको कैसे उसको सफल बनाना है जीवन के, उसको यूज करेंगे। थैंक यू। मैं एकता फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये जो प्रोग्राम है ये महिलाओं का जो वुमेन एम्पावरमेंट में आता है, हम उनके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है आज, जिसमें हमें सिडबी सहयोग कर रहे हैं और इसमें हम अभी 60 महिलाओं का जो है ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और उनको 4 महीने तक हैंड होल्डिंग करेंगे ताकि वो अपना अपना माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट सेट कर पाए। अपनी संस्था के कुछ मेन काम? मेरी जो संस्था है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के प्रोग्राम्स में काम करते हैं और ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम महिलाओं को इकोनॉमी की जो मेन स्ट्रीम है, जो बिजनेस है, उसमें हम उनको इन्वॉल्व ना करें। तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो देश का विकास नहीं होगा। जो हमारा आधी आबादी है उनको हम लोग मेन स्ट्रीम में, बिजनेस में लाना चाहते हैं, जो कि वो बिजनेस करे, आगे बढ़े, तभी देश की तरक्की हो सके। इस कार्यक्रम में SGM विनय कुमार मोगिया, SR मीणा, महाप्रबंधक सिडबी नवीन कोटिया, CO NULM साउथ वेस्ट दिल्ली, RK सिंह विशेष अतिथि, लीड बैंक मैनेजर के रूप में उन्होंने अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। विक्रांत स्टेट हेड प्रोजेक्ट मैनेजर PMFME स्कीम, अंकित कुमार मार्केटिंग मैनेजर PAFMES स्कीम और साथ में आपको बता दें कि सिडबी PMO यानी GTA से अनिजीत भट्टाचार्य और संदीप शर्मा ने एकता फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आज का जो एकता फाउंडेशन ने जो कार्यक्रम किया है महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको पूरा सहयोग का आश्वासन देता हूँ कि इनको किसी भी चीज में डिपार्टमेंट में काम की जरूरत पड़ेगी, लोन की दिक्कत पड़ेगी, ट्रेनिंग की कोई दिक्कत पड़ेगी, तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं और आने वाले समय में हम लोग, आप देखेंगे यहाँ पे हम ज्यादा NULM डिपार्टमेंट की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप में इनको शामिल करके और आगे इनके काम को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अभी इसमें कितनी महिलाएं कुल हैं? लगभग अभी हमारे पास इस जिले के अंदर 220 महिलाएं हैं। एक ग्रुप के अंदर लगभग 10 महिलाएं होती है। 2000 से ज्यादा महिलाओं का हम जब जोड़ चुके हैं और जो कि हमें पता लगा कि हम दिल्ली में सबसे ज्यादा भी अच्छा जो सेल्फ ग्रुप जो कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जन जन तक पहुंचे, उस गली मोहल्ले तक पहुंचे, गांव तक पहुंचे जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोई जानता नहीं है और उस माध्यम से हम उन महिलाओं को जोड़े ताकि हम आगे का उस काम को बढ़ा सके डिपार्टमेंट के सहयोग से। जी,
देखिए सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उद्यमियों की तीन तरह से हम जो सहायता करते हैं, हम दूसरे बैंकों को जो एमएसएमई है उसके लिए लेंडिंग करते हैं, उद्योगों को सीधा हम लोन देते हैं, और तीसरा सिडबी का प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट मैंडेट है। जिस तरह से आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आज ये महिलाओं के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एकता फाउंडेशन ने जो अरेंज किया है, इसमें महिलाओं को जिस जो उन्होंने ट्रेड जो सेलेक्ट किया है उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उनको विभिन्न तरह की जो जानकारियां हैं सरकारी योजनाओं की या उनके ट्रेड से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं वो उनको अपने ट्रेड की जो स्किल्स हैं उसको अपग्रेड कैसे किया जाए उसके बारे में वो जानकारी देंगे। इसके बाद में जब इनकी ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगी, अगर किसी महिला को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए या उद्योग का विस्तार करने के लिए अगर कोई वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो उसमें भारत सरकार की बैंकों की कई सारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ ले सकती हैं। जैसे कि एक मुद्रा योजना है जिसमें वो 10 लाख रुपए तक के जो लोन है वो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के बैंक के माध्यम से ले सकती हैं। इसमें कॉम्पिटिटिव रेट पे और कम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के साथ में उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर किसी महिला की अपने उद्योग के लिए अगर आवश्यकता 10 लाख से ज्यादा है तो उस स्थिति में वो स्टैंड अप इंडिया एक योजना है, उस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती हैं। ये योजना जो भी सरकारी बैंक है या जो अधिसूचित बैंक है जो इस योजना में लिस्टेड है उसकी किसी भी शाखा में जाकर के वहां इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे संबंधित जो भी आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सबमिट किया जा सकता है और वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद में ब्रांच में संपर्क करके इसकी जो उद्योग से रिलेटेड जो उनका वित्तीय आवश्यकताएं है वो अपना पूरी कर सकती हैं। थैंक यू। आपको बता दें कि जब ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को अपना रोजगार स्थापित करना होगा तो ऐसे समय में एकता फाउंडेशन इन महिलाओं के लिए वो तमाम जरूरी व्यवस्थाएं जुटाने में उनकी सहायता करेगा जो इन्हें भविष्य का स्वरोजगार निर्भर बनाने में मदद करेंगी। आपको बता दें कि एकता फाउंडेशन लगातार इस कार्यक्रम के जरिए महिला सशक्तिकरण पर बढ़ावा दे रहा है। यह पूरा कार्यक्रम पाक कला कौशल विकास पर केंद्रित रहा जिसमें उत्तम नगर और आसपास के क्षेत्र में महिलाओं को अपना एक व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। और एकता फाउंडेशन के इन प्रयासों की सभी ने जमकर सराहना की। और हमारा जो मैंडेट है सिडबी के साथ 20 स्टेट्स में, उसमें से एक स्टेट दिल्ली भी है जिसमें हम लोग इसी तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट इंटरवेंशन इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। उसी तरीके से हम लोगों ने एकता फाउंडेशन को सर्च करा, एकता फाउंडेशन को मोबिलाइज करा और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हम लोगों ने उनको सिडबी के साथ जोड़ा और इसके तहत सिडबी ने उनको थोड़ा सा असिस्टेंस करा है जो एक ग्रांट के फॉर्म में है। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू एकता फाउंडेशन एंड विश देम सक्सेस। थैंक यू। संदीप शर्मा, ग्रैंड थॉर्नटन भारत, मैनेजर। मेरा नाम शालिनी गौतम है और मैं एकता फाउंडेशन से करीब 1.5 साल पहले जुड़ी थी और अभी मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ और अभी मैं देख रही हूँ कि वुमेन के लिए ये एकता फाउंडेशन नॉट ये इवन इसमें ही नहीं खाने पीने के प्रोग्राम में ही हेल्प नहीं करता, सिलाई कढ़ाई बुनाई इवन ब्यूटिशियन के कोर्स बहुत सारे एकता फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जो वुमेन को आगे बढ़ाता है। वो वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए एकता फाउंडेशन जो भूमिका दे रहा है ये समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान के तहत ऐसा ही नहीं है कि इसमें सिर्फ पढ़ी लिखी औरतें ही हिस्सा ले सकती, इसमें अनपढ़ औरतें कामकाजी घरेलू औरतें ये सब भी इसमें हिस्सा ले रही हैं और एक बड़े तौर पर इस एकता फाउंडेशन को आगे बढ़ा रही हैं और एकता फाउंडेशन उनको चांस दे रहा है आगे बढ़ने का, जो ये बहुत बड़ी बात है एकता फाउंडेशन के लिए। थैंक यू। अभी तो हम ट्रेनिंग पे हेल्पफुल तो है ही, हमारे को रोजगार मिल रहा है और काम भी है। वैसे आजकल लॉकडाउन के चक्कर में वैसे काम नहीं था, अभी इन लोग हम एकता फाउंडेशन से जुड़े हैं तब हमें रोजगार मिल रहा है। साल 2010 से एकता फाउंडेशन लगातार समाज उत्थान के लिए काम कर रहा है और आज इन्होंने एक मील का पत्थर तय करते हुए महिलाओं को एक सप्ताह का ट्रेनिंग पीरियड चलाया है जिसके तहत संभव है कि इस ट्रेनिंग के बाद कुछ महिलाएं
एक उद्यमी के तौर पर नजर आए, अगर यदि ऐसा होता है तो वास्तविकता में नारी सशक्तिकरण का यह जीता जागता एक बेहद सटीक उदाहरण होगा।